गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे, शनिवार है यार, और मैं जा रही हूँ कपड़े डालने ऊपर छत पे। बहुत सारे कल रात को ही धुल लिए थे, ड्राई कर लिए थे। सारा काम मेरे हस्बैंड ने रात में ही कर दिया था, तो ये बोल रहे थे तुम्हारे लिए मैंने आसान कर दिया है और तुम्हें सुबह कपड़े डालना है। और आज सुबह से मैं कपड़े डालने के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बारिश हो रही है यहाँ पर। अभी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, हो सकता है खुल जाए मौसम। पता नहीं कैसा हो गया है मौसम गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है बार बार। अब तो होली भी आने वाली है, आज 2 मार्च हो गई। थोड़ी तो लाइट वाइट जलाओ तो अच्छा लगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये अंधेरा होगा ना तब दिखेगा बहुत अच्छे से। ये देखो इसमें अभी और लाइट लगनी बाकी है, जब और लग जाएंगे ना तो और अच्छा लगेगा। मैं ये कपड़े हैं जो डाल के आ रही हूँ छत पे, और बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी बूढ़ी बूंदाबांदी हुई है। और आप लोग बताओ कैसा वेदर है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है बारिश को लेकर। और चलते हैं, 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मेरे कुछ इस तरीके से चोटी की है, कैसी लग रही है बताओ? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, चिड़िया बोल रही है, सुनाई दिया? चिड़िया कैसे बोलती है बताओ, बता बता बताओ कैसे बोलती चिड़िया? चू 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 चू। आज अक्सु बहुत रो रहा था, कह रहा था मुझे भी स्कूल जाना है, दीदी की बहुत याद आ रही है। क्यों दक्ष, आपको याद आ रही दीदी की? चलो ऊपर जाओ, चिड़िया दिखाई देगी। चलो चलो, ये सिलेंडर उठाकर अंदर रखना है अभी मुझे। चलो जल्दी चलो चलो। चुया नहीं, चिड़िया चिड़िया आओ, देखते कहाँ है। आओ आओ, इधर चलो, इधर 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 चलो, इधर चलो। कहाँ है चिड़िया बताओ? गाइस पता है अभी यहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं लगी हुई, सब लगनी बाकी है। ये है मेरा जियो एयर फायर, ये लगवाया था हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे वैसे जियो नहीं था, सेटअप बॉक्स वाला। लाइट चली गई अब, चलो यहाँ पे भी कांच लगनी बाकी है, यहाँ ऊपर लाइट वगैरह लगनी बाकी है। सामने वाला घर भी ऑलमोस्ट बन गया। चलो वहाँ पे देखो सड़क एक बनने लगी है, यहाँ पे काम हो रहा है ना, ये भी एक सड़क बन जाएगी पक्की। इधर मैं दिखाऊँ, इधर एक देखो घर, देखो वो वाला घर बन गया है, ये देखो बन गया। एक ये वाला नया घर बन रहा है यहाँ पे, ये देखो काम चल रहा है। जो लोग बनवा रहे हैं वो यहाँ पे शायद रहते हैं कुछ भी। ये घर बन रहा है, एक वो घर बन रहा है, एक उधर पीछे एक घर बन रहा है, बहुत सारे घर बन रहे हैं आस पास। तो बस मैं कपड़े फैला लूँ, चिड़िया तो दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ पे बोल रही थी। दूध रख गई थी उबलने के लिए, वो भी उबल गया है और कुछ ज्यादा ही उबल गया है। आहा बाबू, इसको ना मोबाइल चलाना है इसीलिए उससे मांग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए पराठा बनाने। आज सुबह मैंने बनाया था ये पत्ता गोभी, ये सब्जी बची रखी हुई है, तो मैं पत्ता गोभी की सब्जी है वो खाऊंगी। और ये पराठा इसके लिए बनाया था मैंने, जो कि 2-3 बाइट इसने खाया है, बाकी का छोड़ दिया। अगर तुम ये खाओगे तब मैं मोबाइल दूंगी, चलिए बताओ खा लोगे? मैं खोल दूंगा, ला मैं खोल दूँ, पहले ये उठाओ उठाओ चुक्कू उठाओ जल्दी से।
वेरी गुड, अब ये फिनिश करो ठीक है। और गैस मैं आपको अपना नया वाला चॉपर दिखाऊं, ये वाला चॉपर जो है बहुत पुराना बट बिल्कुल नया है, क्योंकि मैंने इसे यूज नहीं किया, वहां रख ही रहा। ये कुछ इस तरीके का है, इसमें ना आलू या फिर कोई सब्जी वगैरह कट करनी हो बस इसमें ब्लेड्स दिए गए हैं साइज के अकॉर्डिंग। ये देखो ये ब्लेड्स दिए गए हैं, ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा मोटा है, इसमें मैं आलू कट कर लेती हूँ, बहुत छोटे छोटे पीस काटने हो, और भी चौड़ा वाला इसमें ब्लेड्स आए हैं। ये देखो इतना सारा है, ये सब रखा है मेरे पास। ये देखो इसमें और भी चौड़े चौड़े ब्लेड्स आते हैं, ये स्लाइस करने वाले भी हैं, चिप्स वगैरह काटने के लिए, कद्दूकस करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लिया था। और इसको ना इसमें जैसे भर जाता है तो इसको करना भी, साफ करना भी आसान है, बट पीछे की बटन दिया गया है, ये इसको प्रेस करना है। जैसे आप इसे प्रेस करोगे देखो ये वाइट वाइट से धुआं अंदर से प्रेशर आएगा और सारा चीज़ निकाल देगा, तो बहुत आसान है इसको क्लीन करना। और ये एक बॉक्स के जैसे है, इसमें सारी वेजिटेबल कट गए, फ्रिज में रख लो, ये देखो इस तरीके का फ्रिज में रख लो, ताकि काट के रख के आप इसको तुरंत तुरंत छोंक दो। फिर और जैसे कि वो बनाना होता है ना सैंडविच वगैरह, तो ढेर सारी वेजेस कट करनी होती है, तो फटाफट इसी में कट करो, मेयोनीज मिलाओ, मिक्सअप करो और सैंडविच बना लो, तो ये बढ़िया काम कर जाता है। ये गणेश ब्रांड का है और ये बहुत पुराना है, बहुत पहले लिया था मैंने बट रख दिया था मैंने। बस ये कुछ फल रखे हुए, गोभी पता नहीं का मुझे लग रहा था ये खराब हो गया है, लेकिन खराब नहीं हुआ, ऊपर ऊपर से ऐसा हो गया है। एक दिन बना लूंगी इसको भी मैं। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, नुकसान हो गया, ये जो मेरा नया कप था ना, जो मैं नया ये वाला कप लेकर आई हूँ, ये वाला कप ना एक बचा, एक ये टूट गया, मतलब मैंने धुल के रखा था और उसे उठाया और तुरंत उसमें चाय छान ली, तो ये बहुत ठंडा था और गर्म चाय, ठंडा गर्म से ये चटक गया, एकदम से चाय बहने लगी। मैं बोली, मैं सोची क्या हो गया, अब ये समझ में आ रहा है ये यहाँ से चटका हुआ है, हल्का सा दिख नहीं रहा आपको ब्लैक, बट पूरा राउंड होकर चटक गया है, तो ये बेकार हो गया है, बस ऐसे फेंकना ही नहीं चाहती, तो यही रखा है। देखती हूँ कुछ करती हूँ, आप लोग कुछ बताओ, कुछ आइडिया हो तो मुझे बताओ, कुछ करें ठीक है, कुछ करें इसका। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत तेज भूख लगाई मुझे। गाइस तो अभी बच चुके हैं, ये देख सकते हो 1 बजने जा रहे हैं, मेरी बिंदी कहीं गिर गई, बहुत जल्दी गिरती है, पता नहीं कहाँ गिर गई। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने कर दी है अपनी पूरी किचन को नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। और ये कुछ सामान तो भाई रखा ही जाएगा, जैसे कि दूध है, ये बादशाह वाला दूध है, इसमें मैंने एक जग में पानी भर के रख दिया है, वो मेरा ट्राइपॉड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल के लगा दिए हैं डलिए में, सब निचुड़ जाएंगे, फिर मैं इनको एक एक पोस्ट करके इसमें लगा दूंगी। मेरी किचन हो गई है रेडी अच्छे से, और मैं अपनी किचन के लिए कुछ मंगाने वाली हूँ इस फ्रिज के लिए, ये सब तो मैं हटा दूंगी, दवाइयाँ मेरे हस्बैंड इधर उधर रख जाते हैं, तो मैं ये सब हटाऊंगी अभी। यहाँ पे एक गणेश जी की प्रतिमा रखी है छोटी सी, और ये एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें सौंफ वगैरह रख लो, और ये मेरा स्टैंड रखा हुआ है जिसमें नैपकिन है, तो इसमें इस वाले पे सिर्फ ये नैपकिन स्टैंड रखा रहा करेगा। एक यहाँ पे मैंने इसके लिए एक फ्लावर पॉट मंगाया है फ्लावर के सहित, वो रखूँगी, जब आ जाएगा तब मैं दिखाऊँगी। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ अपने वीडियो लाइव करने के लिए, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। शाम का टाइम हो गया था और ये भी आ गए हुए थे स्कूल से, और आध्या भी आ चुकी थी और बहुत खुश है आध्या। और आध्या के गाल में कुछ हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली क्या है कि आध्या के गाल में मुझे लगा था कि मकड़ी ने मकड़ी दब गई हो या उसी की वजह से ऐसा निशान हो रहा है,
तो जाला जैसा बन रहा था कुछ, तो मैंने इसे सही करने के लिए खटाई का जो है ना रस, वो लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सही नहीं हुआ है। तो आप लोग कुछ बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कैसे सही होगा। और ये खड़े हैं दख जो कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है। और आज बताए क्या हुआ, मैं कपड़ों पर डालकर आई और आके यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया, चाय चढ़ा दी मैंने बनने के लिए, और ये ऑन नहीं किया, बहुत ऐसे धुआं जा रहा है। खींच रही है उसमें बढ़िया बड़े काम की अभी है चिमनी, वरना तो सब खराब ही खराब हो जाते थे मेरे डब्बे। धुआं डालने रही। हाँ तो क्या हुआ, मैं कपड़े डाल के आई थी और आकर बस खाना ही खाया है ना बना के, और उसके बाद दना दम पानी जरूर। आज ही सोने लगी बहुत तेज, और उसके बाद फिर मुझे भाग के जाना पड़ा और जाके सारे कपड़े ऐसे उतार के लाने पड़े। सारे कपड़े ऐसे टब में भरे रखे हैं क्योंकि तो नीचे डालने के लिए मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है। सोच रही हूँ स्टैंड ले लूँ या फिर डोरी ही बांध लूँ। आप लोग बताओ क्या करूँ, स्टैंड ले लो तो एक दीवार स्टैंड रखे रहो वो एक जगह घेरता है, और डोरी अगर बांध लो तो वो डोरी बंध गई तो फिर उस पर कुछ ना कुछ लटकता ही रहता है, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं थोड़ी देर सो गई थी, और पता है कब सोई हूँ, जब हस्बैंड जी आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, आते अब लोग आ गए स्कूल से, दोनों लोग 4 बजे आए हैं, उसके बाद मेरी आँख लगी। सारा दिन तो यही सोचती रहती हूँ आ जाए आ जाए, फिर रेस्ट करूँ, लेटी रहती हूँ, मोबाइल चलाती रहती हूँ, नींद नहीं आती है, ये रहता है गेट खुलना। और फिर उसके बाद बेहिचक दम मस्त नींद आ जाती है। आज आ गई, वैसे तो नहीं आती मुझे इतनी देर में, अगर इतनी देर हो जाती है, लेकिन आज आ गई थी। आज कुछ स्पेशल बनाते हैं तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या स्पेशल बना रही हूँ। वैसे मैं बता देती हूँ, आज दाल बाटी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, दाल बाटी जब मैं बनाऊंगी इस वाली गैस पे, तो ये ग्लास का है, इसमें मैं गैस ओवन जो रखूंगी उसकी एक गर्माहट जब होती है, ये ग्लास चटकने का डर है, टूट जाएगा। हालांकि इसकी 2 साल वारंटी है, लेकिन रिक्स क्यों लें, इतनी बढ़िया हमारी गैस है, इसको क्यों ख़राब करें। तो हम लोग पुरानी वाली गैस जो हमने ऊपर रख दी थी उतार लाएंगे और उस पर बनाएंगे बाटियाँ, सही रहेगा ना। आज ट्राई करते हैं उसमें, क्योंकि वो अभी बाहर ही रखी हुई है तो उसको लगा लेंगे, और अभी एक सिलेंडर भी बाहर रखा है इसलिए उसका यूज़ कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं करते हम लोग फिर स्पेशली ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी मैं चाय बन गई है, मतलब एक बार अच्छे से खोल जाए पक जाए, फिर डालने के बाद चाय पीते हैं, फिर बनाते हैं दाल और बाटी। आप लोग साथ भी शेयर करते हैं इसकी रेसिपी प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, दाल बाटी बनाने के लिए मुझे जो जो चाहिए वो निकाल ले रही हूँ। और ये अरहर की दाल है, बहुत सारे लोग मिक्स दाल बनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अरहर की दाल बनाती हूँ। और इसको कुछ देर के लिए भिगो के रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे ले लिया है मैंने गेहूँ का आटा, तो गेहूँ का आटा जो है वो ज़्यादा लूँगी, क्योंकि बाटी में गेहूँ का आटा ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें भी मैं 3 तरीके के आटे मिलाती हूँ, जैसे कि बेसन यानी चने का आटा, और सूजी, थोड़ी सी सूजी भी डालती हूँ। तो बेसन की क्वांटिटी करीबन 2-2.5 चम्मच बड़ा चम्मच, और सूजी की क्वांटिटी 2 चम्मच मैंने डाली थी। और उसके बाद हल्का सा नमक डाल के इसको पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि तीनों से चारों चीज़ें एकदम मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद मोहन के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल यूज़ किया है मैंने, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सरसों के तेल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और टाइट डो लगा कर तैयार कर देंगे, ढीला नहीं लगाना है, टाइट ही बनाना है। ये स्टफिंग के लिए पनीर, प्याज, हरी मिर्च को मैंने बारीक करके मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। इसमें हल्का सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हरा धनिया डाल के मैंने मिक्स किया है। और उसके बाद ये आटा लग गया था, ये दाल बन के तैयार है अरहर की, थोड़ी पतली कर दूंगी। और यहाँ पे तड़का लगा रहे हैं मेरे पति देव, क्योंकि मुझे दाल बाटी जब खाती हूँ तो उसके तड़का जो वाली दाल होती है वो मुझे अपने हस्बैंड के हाथ की बहुत पसंद आती है, वो मेरे लिए बड़े चाव से बनाते भी हैं। यहाँ बना ली है मैंने चटनी, तो इनका कहना है दही वाली चटनी खाना है, तो प्याज के लच्छे और दही वाली चटनी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का बना के मैंने तैयार किया। फिर छोटी छोटी लोई लेकर जैसे आलू का पराठा फिल करते हैं, ठीक वैसे ही बाटियों की स्टफिंग फिल की और मून का बंद कर दिया। बस इतना फ़र्क है कि आलू के पराठे को बेल देते हैं, इसको बेलेंगे नहीं, गोल करके रख लेंगे।
और नीचे गैस इसलिए लगा ली है ताकि हमें अपनी गैस का बचाव हो जाए। देखिए करने के लिए दो स्टैंड रखकर मैं गैस पे इसको रख सकती थी, काम चल जाता, लेकिन रिस्क क्यों लें। बड़ी मेहनत से सारी चीज़ें हुई हैं, सारे सपने बड़ी मेहनत से पूरे होते हैं, तो बस वही मेहनत की है मैंने भी। जो मेरे घर में आप चीज़ें देख रहे हो, किचन को देख रहे हो, किचन में लगा हुआ सामान को देख रहे हो, तो इन सभी को लेने में मैंने बहुत मेहनत की है। मेरी न जाने कितने सालों की मेहनत है जिसको मैंने जोड़ जोड़ के अपने घर को सजाने में लगा दी है, और हमारा घर बनने में भी कई सालों की मेहनत है, मेरे पति की मेहनत, मेरी मेहनत, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे पति का। तो कोई चीज़ बिना मेहनत की नहीं मिलती है। आज हमारा सपनों का घर भी बन के तैयार है, वो भी हमारी मेहनत की वजह से, और आप सबके प्यार और भगवान के आशीर्वाद से और अपने बड़ों के आशीर्वाद से। वैसे तो कहा जाए तो दुनिया में दुनिया की क्या ही बात करूँ, दुनिया में तो हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही परिवार में, अपने ही दोस्तों में, हर एक गली मोहल्ले में, आसपास में, मतलब कहाँ नहीं लोग ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर वो आपसे बात तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जलते हैं। मैं यूट्यूब से लेके कहूँ तो यूट्यूब में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग बात तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जलते हैं, परिवार में, रिश्तेदारों में, आसपास मोहल्ले में, गली में, मतलब दोस्तों में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से जलन रहती ही है। लेकिन अपना काम करने से सब सही रहता है, बस ऊपर वाला कभी दुखी ना हो, ऊपर वाला हमेशा खुश रहे, और ऊपर वाले की नज़रों में तुम हमेशा अच्छे काम करो। तो ये देखें हमारी बाटियाँ कितनी बढ़िया सीख गई हैं, और मैं अभी इन्हें सर्व कर रही हूँ, अरहर की दाल तड़के वाली, प्याज और उस पर लगा दी है चटनी। ये मेरे हस्बैंड बाटियाँ निकाल के रख रहे हैं, और उसके बाद मैं देसी घी में डुबा के इनको प्लेट लगा कर आधा को सर्व करूँगी, खुद के लिए सर्व करूँगी और हस्बैंड को भी सर्व करूँगी, मतलब हम सभी लोग बैठ के खाएँगे। तो आज की जो हमारी बाटी पार्टी है ना, वो बढ़िया हो गई है। एक चीज़ अंतर थोड़ा सा लगता है, देखो ओटीजी में जब मैं बनाती हूँ बाटी तो उसका टेस्ट बहुत अलग लगता है, मुझे पर्सनली उसका टेस्ट कम अच्छा लगता है। ये वाली बहुत अच्छी लगती है, और इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी लगती है जो मेरे पापा बनाते हैं आग पे भून के, उसका टेस्ट तो बिल्कुल अलग होता है। बस आधा खाएगी, हम लोग खाएंगे। हे गाइस, तो मैं सारा काम करके आ गई हूँ, और बड़ा मज़ा आया भाई, इतने दिन बाद बाटी खाई, दाल बाटी, और मेरी तो फेवरेट है, और मेरे कहने पे मेरे पतिदेव बनवा भी लेते मेरे साथ में। ये आ गया मेरा बेटा दक्ष, कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा। आज दच्छू ने भी दाल बाटी खाई है, क्या खाई है? दाल बाटी। दाल बाटी, अब ज्यादा बोलने लगा ये। जब भी मैं कोई रील बनाऊंगी तो ये पीछे से छुप के देखता है। कैसे देखता है? क्यों देखते हो छुप के? मजा आता है तुमको? कैसे कैसे? बहुत शरारती है, बहुत शरारती, बहुत मस्त बच्चा, मम्मा का बच्चा, मम्मा का प्यारा बच्चा, पोरा बच्चा, बहुत छलालती बच्चा है ये। और बस सोने से पहले मैंने हॉल एरिया को पूरा क्लीन किया, बेड जैसे है मतलब उसका बिस्तर वगैरह झाड़ दिया, उसमें जो भी ये बैठ के खात के फैलाते हैं ना वो सब फैला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो उसको साफ करते हैं। मेरे यहाँ पे क्या लगा हुआ है ये पता नहीं क्या लग गया, तो वो सब साफ कर दिया है, और गैस वैस साफ करके सारे बर्तन धुल दिए हैं, और लड्डू मैंने खाए नहीं, और वो धुल दिया है क्या गैस ओवन, सब कुछ धो के साफ करके रख दिया है। और दक्ष के लिए वह डुड्डू लेके आना है, मुझे डुड्डू क्या लेके आना है? आध्या के लिए भी। चलिए गाइस, अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, ख्याल रखना अपना, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते करते सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय।